इसी बीच स्लिमिंग इंडिया की खबर का असर हुआ है। फरीदाबाद में पिछले कई महीनों से बनकर तैयार हुए सिंथेटिक ट्रैक का आखिरकार अब उद्घाटन हो ही गया है। उद्घाटन के इंतजार में खिलाड़ी अब तक इस ट्रैक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। खिलाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खिलाड़ियों की इस परेशानी को देखते हुए लिविंग इंडिया न्यूज ने कुछ दिन पहले इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद आज कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने लगभग 9 करोड़ की लागत से निर्मित हुए 8 लेन के सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने भी ट्रैक पर दौड़ लगाई। इस ट्रैक की मांग पिछले लंबे समय से खिलाड़ी कर रहे थे और आज आखिरकार खिलाड़ियों का सपना साकार हो गया। अच्छे प्रैक्टिस करते थे, काफ़ी हमें चोटें होती थी। पहले यहाँ पर कच्चा ट्रैक था, काफ़ी रोड पे भी करते थे वैसे प्रैक्टिस हम, और यहाँ पर कच्चा ट्रैक भी था, काफ़ी दिक्कत होती थी हमें, कभी सिन पैन कभी पैरों में काफ़ी दिक्कत होती थी हमें। एक बार आज ये सिंथेटिक का उद्घाटन हो रहा है, ये बहुत बढ़िया काम हुआ है हमारे यहाँ पर। ये पहले हम रोडों पे दौड़ते थे, अब ये बढ़िया काम हो गया है सिंथेटिक पे दौड़ने चाल। विपुल गोयल जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। ऐसी और भी बातें हैं, देखिए जो टर्फ लगाने की अवधि है उससे बिफोर टाइम ये काम हुआ है और उससे पहले ये शुरू हुआ है। और रही कि इसका विधिवत उद्घाटन, उसकी वजह से कोई काम कभी भी या खेलने से किसी को नहीं रोका गया और बच्चे इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखा क्या माहौल है, बच्चे कितना खुश है। और मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने फरीदाबाद को ऐसी बढ़िया।